ताकि हम अपनी जिंदगी में दोबारा कोई बिल्किस को ना देखे। अल्लाह साबिर को मिले बना दे कि हम अपनी जिंदगी में दोबारा कोई बिल्किस को ना देखे। अल्लाह साबिर को कामयाब बना दे अल्लाह, ताकि हम अपनी बेटियों को इस तरह बेबस ना देखे। हाय मोदी जी, क्या एक्टिंग करते हैं आप। हाय हाय, गनीमत है फिल्म इंडस्ट्री में नहीं गए, वरना पूरे बेस्ट एक्टर के अवार्ड वही जीत जाते। देखा इस बहरूपिये को, देखा ये नरेंद्र मोदी के लिए क्या बोल रहा था। वैसे मामला बड़ा गंभीर है, लेकिन ओवर एक्टिंग के लिए इसको जिसके 200 रुपए कटने चाहिए। फिर से देखो, फिर से देखो इस इंसान की हालत, जो एक विधायक के लिए अल्लाह का वास्ता देके एक औरत के बलात्कार को बेच रहा है। फिर से देखो, ये चीजें आसानी से लोकतंत्र में देखने को नहीं मिलती। फिर से देखो कि एक इंसान एक विधायकी के लिए कितना जलील हो सकता है। अल्लाह साबिर को मिले बना दे कि हम अपनी जिंदगी में दोबारा कोई बिल्किस को ना देखे। अल्लाह साबिर को कामयाब बना दे अल्लाह, ताकि हम अपनी बेटियों को इस तरह बेबस ना देखे। देखा, बोलता था कि जिन लोगों को पुलिस ने पोल पे बांध के चौराहे पर बांधा है, कौम की हालत कुत्तों जैसी हो गई है। बोला था ना, पुलिस ऐसे अनैतिक काम सामाजिक नजरिए से अक्सर करती है। अक्सर हम लोगों ने ये वीडियोस देखे होंगे या रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी, लेकिन जैसी तेरी हालत हुई है, कुत्ता बनना इसी को बोलते हैं। या कुत्ते को बदनाम क्यों करें, राजनीति और लोकतंत्र का भिखारी बनना इसी को बोलते हैं कि अल्लाह का वास्ता देकर एक औरत के बलात्कार को ये जलील बेच रहा है और उसके नाम पर वोट मांग रहा है। अल्लाह से मुझे याद आया, चुनाव में एक बार योगी आदित्यनाथ जी ने और अखिलेश यादव जी ने श्री कृष्ण का नाम ले लिया था, तो सुनो ये जलील क्या बोला था, सुनो। तो भाई आप दोनों चले जाइए ना, जाकर भगवान का नाम लेकर गवर्नर को बोलिए कि हमको बना दीजिए मुख्यमंत्री, शपथ दिला दीजिए। क्या मजाक है? तो भाई आप दोनों चले जाइए ना, जाकर भगवान का नाम लेकर गवर्नर को बोलिए कि हमको बना दीजिए मुख्यमंत्री, शपथ दिला दीजिए। क्या मजाक है? सुना, अगर उनको श्री कृष्ण का नाम लेने वालों को चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं थी और सीधे जाके शपथ ले लेते, तो जलील इंसान जाहिल आजम, तुझे जब तूने अल्लाह से दुआ कर ली, अल्लाह जमालपुर में साबिर को मेले बना दे, ताकि 100 साल तक गरीबों की आवाज गुजरात में गूंजती रहे, या अल्लाह साबिर को मेले बना दे। भाई वो तो पूरी कायनात का मालिक है, तो तुझे चुनाव के वोटों के लिए भीख मांगने की क्या जरूरत है, जाके मस्जिद में बैठ, दुआ कर, अल्लाह तुझे जिता देगा एक बेग एक 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 उस औरत का जलील इंसान, उसका नाम लेके और अल्लाह का वास्ता देकर भीख क्यों मांग रहा है? अल्लाह सिर्फ तेरा नहीं है, कुछ लोग उसको परमेश्वर के नाम से भी जानते हैं, और इस अल्लाह ने जिसको कुछ लोग परमेश्वर के नाम से भी जानते हैं, तुझे भिखारी बनाने का और तुझे कुत्ता बनाने की उनकी दुआ कबूल कर ली है। तू थोड़ा देर हो गया, क्योंकि अल्लाह को जिसको कुछ लोग परमेश्वर के नाम से जानते हैं, उसे घमंड और गुरूर पसंद नहीं है, और तू ना जाने तेरी रस्सी जल गई है, रज़ाकर की तेरे टकने तोड़ दिए गए थे 75 साल पहले, पर आज तू उन्हीं हवाओं में है, इसलिए राजनीति में तेरी हालत ऐसी कुत्ते जैसी और ऐसी भिखारी जैसी हुई है। अब इस आदमी की पॉलिटिकल आईक्यू देखो क्या है। अच्छा, पॉलिटिकल आईक्यू बाद में दिखाता हूं। जब मोहन भागवत मदरसे गए, तो ये जलील बोला कि आप बिल्किस से मिलने कब जाएंगे।
बिल्कुल पे मेरा क्या स्टैंड था ये सबको मालूम है, डिबेट्स में खुला बोलता था, पर ये इधर से उधर चिल्लाता हुआ मातम करता बिल्किस के गमों को बेच रहा था। इस जलील से इसके जलील, इसको पसंद करने वाले गटर और नाली छाप इससे ये पूछें कि तू बिल्किस से मिलने कितनी बार गया। रूपरेखा वर्मा जो लखनऊ यूनिवर्सिटी की पूर्व वाइस चांसलर थी वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, अब बिल्किस खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, लेकिन ये जलील बैरिस्टर होते हुए बिल्किस के लिए बैंड बांध के सुप्रीम कोर्ट ना पहुंचा और ना ही अपना कोई अधिवक्ता बिल्किस के लिए दिया, ना ये जलील बिल्किस से मिलने गया कुछ नहीं तो उसका गम बांटने के लिए, उसकी परेशानी बांटने के लिए, जो बिल्किस के नज़रिए से उसके साथ गलत हुआ, जो उसके अपराधियों को छोड़ दिया गया, उस परेशानी उस गम को बांटने के लिए। और जलील कहता है कि मोहन भागवत बिल्किस से मिलने क्यों नहीं जा रहे। ये इतना जलील इंसान है, पर इसको चाहने वाले और इसकी बातों पर जलील ताली बजाने वाले क्या क्या मस्करी करता है, कभी रोने का नाटक करता है और कभी अब पूछना पड़ेगा तेरे के ने 2500 कौर कहां से आए रे। अलादीन का चिराग है क्या, गसे तो निकल रहे, 2500 कौर गसरे निकल रहे, गसरे निकल रहे। अंकल बेगम का नाम लिए तो रात हो रही ना याद आते। इस तरह से बयानबाजी करता है और जाहिल गटर छाप नाली छाप खुश होकर ताली बजा देते हैं। इस आदमी की पॉलिटिकल आईक्यू देखो, कह रहा है हम चुनाव गुजरात में इस मारे लड़ रहे हैं क्योंकि गुजरात की राजनीति में वैक्यूम आ गया है, वैक्यूम यानी खालीपन आ गया है। और यहाँ पर मिस गवर्नेंस बहुत ज़्यादा है, जनता के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, तो यही चीज़ें हैं, लीडरशिप की ज़रूरत है और MIM पार्टी की कोशिश यही होगी कि ये जो यहाँ पर कांग्रेस हो या दूसरी पार्टियाँ हो जो भाजपा का डर दिलाकर वोट तो हासिल कर लेती हैं मगर जीतने के बाद उनके 12-13 विधायक BJP में भाग जाते हैं, इसकी वजह से एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम गुजरात में है एक वायबल अपोजिशन का, और हम कोशिश वही कर रहे हैं। सुना, मैं कभी गलत बात नहीं करता, बड़ा चढ़ा कि नहीं करता। पता है गुजरात की विधानसभा में सीटें कितनी हैं, 180 या 182। पता है जलील कितनों पे चुनाव लड़ रहा है वैक्यूम को फिल करने के लिए, खालीपन को फिल करने के लिए। 182 में से 160 पे तो चुनाव लड़ना बनता था ना, अच्छा 150 पे तो बनता था ना, अच्छा 140 पे बनता था, अच्छा 120 पे चलो मान लेते हैं बनता था, चलो और कम कर दो, मान लो कि सारी सीटें ये जीत जाए तो 91 पर तो बनता था ना। जलील 12 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है और कह रहा है गुजरात की राजनीति का वैक्यूम खत्म करने आया हूं, ये गुजरात की राजनीति का वैक्यूम खत्म करने नहीं आया, जो ये नहीं बोल पाया मैं बोल दूं, ये जो मुस्लिम मुसलमान वोटों में वैक्यूम आ गया है वहां बिल्किस के दर्द को बेच के और अल्लाह ताला की दुहाई देकर वहां पर ये उस वैक्यूम को पूरा करना चाहता है ये जलील। मुसलमानों जो इसको मानते हो और जानते हो, इस जलील से पूछो कि बिल्किस के अपराधियों को छोड़े हुए शायद लगभग 6 महीने होने को आ रहे हैं, 4-5 महीने होने को आ रहे हैं, रूपरेखा वर्मा और सुभाषिनी अली सुप्रीम कोर्ट पहुंच गईं, पर तू जलील बैरिस्टर होते हुए भी आज तक सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचा, उसके घर तक नहीं पहुंचा। और जलीलों तुम मुझसे बोलते हो कि बिल्किस पर मेरा क्या स्टैंड है, अरे मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा नहीं हूँ, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का सदर नहीं हूँ जो बिल्किस के नाम को और उसके दर्द को और उसके बलात्कार को बेच रहा है, जो तुम्हारा ये सदर बेच रहा है ना उससे जाके पूछो कि बिल्किस के छूटने के बाद से लेकर कितना उसको बेचा है, और अगर बेच ही रहा है तो उसकी कमाई थोड़ी बिल्किस को बेचारी को दे दे, उसके काम आ जाएगी। और चलते चलते बस आखिरी बात एक कहूँगा,
कौम की हालत कुत्ते जैसी हुई हो या ना हुई हो, तेरी हालत भिखारी जैसी लोकतंत्र में और कुत्ते जैसी जरूर हो गई है। गिरिराज ने बोला, बहुत ज्यादा करके आंका जा रहा है इस आदमी को, दो सांसद और 7 विधायक वाले आदमी को क्यों भापा जा रहा है, क्यों नापा जा रहा है, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। मैं बिल्कुल नहीं कहता ये किसी की ए टीम है, बी टीम है, सी टीम है, मेरा राजनीति से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिससे भी इसकी तुलना कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो। ये वो इंसान है कि इसके सामने से मीडिया अगर माइक हटा ले तो 30 दिन में इसका नाम लेने वाला हिंदुस्तान की राजनीति में कोई नहीं होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। एक बार इसके रोने का ड्रामा जरा फिर से देख के जाओ। अल्लाह साबिर को मिले बना दे कि हम अपनी जिंदगी में दोबारा कोई बिलकिस को ना देखे। अल्लाह साबिर को कामयाब बना दे अल्लाह, ताकि हम अपनी बेटियों को इस तरह बेबस ना देखे।